हेलो दोस्तों, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मूवी को। 2023 वाज वेरी हैपनिंग ईयर फॉर बॉलीवुड, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो नैया थी ना भाई, मतलब जो कोविड की वजह से जो ऐसे मतलब टाई टाई फिश हो रही थी, अब ऐसे कह सकता कि भाई ये नैया पूरी मतलब अपनी तो निकल पड़ी हो गया है। गदर 2, जवान, एनिमल एंड पठान टाइप जैसी मूवीज भाई, मल्टी स्टारर मतलब बिग सुपरस्टार जो ये मूवीज थी, इस वजह से भाई काफी हद तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा हुआ है। बॉलीवुड की नैया एकदम सात समुंदर पार निकल पड़ी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मतलब यार, 1000 करोड़ क्लब में ये बहुत सारी मूवीज पहुंच चुकी थी। धमाकेदार एंट्री भी पठान ने की थी, जनवरी 2023 में रिलीज हुआ था। एंड बाय गॉड, फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा वाह वाह, मतलब लास्ट ईयर की ज़्यादा मेमोरेबल मूवीज नहीं थी। ऊपर से कोविड की डर से बहुत लोग थोड़ा सा मतलब थिएटर्स में जाके देखने के लिए बाबा थोड़ा सा सोच सोच के जा रहे थे, इस वजह से या जो भी रीज़न है, तो थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक ठाक नहीं चल रहा था। लेकिन ये साल बहुत अच्छा रहा, ये इन सारी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा। एंड बॉलीवुड की मतलब क्या ही, अब हर हीरो ने, हर हीरोइन ने, जो उनका टीम वर्क है, पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, सब ने भाई चार चांद लगा दिया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो ये चार मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब दे आर फ्लाइंग इन कलर्स। बाकी भी बहुत सारी मूवीज़ है, जैसे कि सत्य प्रेमी की कथा ले लो, या फिर रॉकी रानी की प्रेम कहानी, ओ माय गॉड 2, इन सब ने भी काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिया। तो दिसंबर 2023 में भाई ओटीटी पे कौन सी हैपनिंग मूवीज आने वाली, इसकी लिस्ट तो बनती है। तो सबसे पहले आने वाली 11 दिसंबर को जापान नाम की तमिल मूवी, जहां पे हमें दिखाई देते कार्थी एंड अनु। तो ये एक थ्रिलिंग मूवी है, सस्पेंस थोड़ा सा लाइट कॉमेडी भी चल रहा है, लेकिन मेनली इट्स सस्पेंस थ्रिलिंग मूवी, जहां पे एक गुंडा है भाई, जब जैप और उसके पीछे मतलब जो भी वो एक मनी हाइस्ट कर रही है, उसके पीछे जो कॉप है और उनकी डिटेक्टिव गिरी चल रही है, तो इसमें पूरी मूवी चलती है। इट्स अ तमिल लैंग्वेज मूवी, अगर आपने मिस किया तो नेटफ्लिक्स पे 11 दिसंबर पे आ रही है, सो स्टे ट्यून्ड। टाइगर 3, सलमान और कैटरीना की मूवी रिलीज हो रही है 12 दिसंबर को अमेजोन प्राइम पे। भाई आपने अगर ये मतलब पहले था, एक था टाइगर, देन टाइगर जिंदा है, ये स्पाई यूनिवर्स वायर की जो नेक्स्ट मूवी है टाइगर 3, नॉट टू बी मिस्ड काइंड ऑफ अ मूवी। अगर आप सलमान और कैटरीना के फैन हो तो ये आ रही है अमेजोन पे जल्द, मतलब 12 दिसंबर को। तो मतलब यार देखनी, एक बार तो देखनी बनता है। नेक्स्ट है हॉटस्टार पे 15 दिसंबर को आ रही है मूवी मलयालम, जिसका नाम है फैलिमी। यहाँ पे हमें दिखाई देंगे जोसेफ भाई, एक कॉमेडी लाइट कॉमेडी फैमिली ड्रामा है, मतलब नाम ही फैलिमी है, मतलब कॉमेडी तो होने वाली है। अगर आपने मिस कर दिया है तो 15 दिसंबर प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो एक नज़र डालते हैं भाई 2023 में कौन सी चीज़ें थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया मतलब इंडिया में टॉप 10, ऐसी कौन सी ओटीटी एंड मूवीज पे ऐसी कौन सी चीज़ें थी जहाँ पे भाई मतलब बहुत ज़्यादा सर्चेस हुई थी। तो एक बार एक नज़र डालते हैं ये कौन सी चीज़ें हैं। सो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है भाई जवान, जो शाहरुख खान की मूवी थी, टॉप्स द लिस्ट, मतलब जो मूवी रिलीज हुई थी। बाय गॉड, अटली की ये मूवी है, एंड अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय शाहरुख खान, एंड 1000 करोड़ क्लब में ऑलरेडी पहुंच गई थी। बाद में टॉप नंबर 2 पे है गदर 2, जहाँ पे सन्नी बाजी थे भाई, 2.5 किलो का हाथ उड़ गया, एंड फैन फॉलोइंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसको बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे पहुंचाया था। बाद में है ओपेनहाइमर और नंबर 3, 4 आदि पुरुष, ओ माई गॉड, मतलब हमारे जो बाहुबली है ना, मतलब प्रभास के आदि पुरुष, जहाँ पे कृति सनन भी दिखाई दी थी, ये भी नंबर 4 उन्होंने लगाया आया है इन द लिस्ट। बाद में है पठान, शाहरुख खान, मतलब एंट्री भाई 2023 में शाहरुख और दीपिका ने मारी थी, एंड इट इज इन द लिस्ट एज 5। 6 पे है द केरला स्टोरी, 7 पे है जेलर, जहां पे हमें दिखाई देते रजनीकांत, एंड लाका वाला वही था, मतलब भाटिया का ये गाना बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका था। 8 नंबर पे है लियो, जहां पे हमें दिखाई देते विजय थैलापति। बाद में है 9 नंबर पे टाइगर 3, सल्लू मियां का तरीका के 6 साल बाद हमें दिखाई दिए थे ऑन द स्क्रीन, और 10 नंबर पे वारिस। सो ये तो टॉप 10 लिस्ट थी जहाँ पे इंडियन जो ऑडियंस है उन्होंने बहुत ज्यादा सर्च किया था इन द ईयर 2020। नहीं, ओटीटी भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो 2023 में इंडिया में मोस्ट वॉच कौन से या सर्च कौन से वेब सीरीज है उसकी रैंक देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है शाहिद कपूर का फर्जी, ओ माय गॉड, क्या नोट है, की बारिश चल रही थी भाई, वैसे ही फैंस के वहां वहां चल रही थी शाहिद के लिए। नंबर 2 पे है वेडनेसडे, नंबर 3 पे है आसुर, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर, मतलब आसुर 1 भी मैंने ऐसे ही देखा था, 2 भी बहुत ही बेहतरीन था, आशा द्वारा यहाँ पे दिखाई देते, और वरुण सोपती। नंबर 4 पे है राणा नायडू, 5 द लास्ट ऑफ अस,
सिक्स स्कैम 2023, इट इज बेस्ड ऑन अ रिपोर्टर मूवी. अब सेवन है बिग बॉस 70 OTT पे जो आया था वो. एट पे है गन्स एंड गुलाब्स. बाय गॉड, ये मतलब पूरा प्यार चल रहा था, गुंडागर्दी चल रही, गन्स भी थे गुलाब्स भी थे. नाइन पे है सेक्स लाइफ एंड टेन है ताजा खबर. तो ये सारी चीज़ें मोस्ट सर्च है इन द वेब सीरीज की लिस्ट, मतलब OTT पे जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मोस्ट सर्च हुई थी इन द ईयर 2023 बाय द ऑडियंस एंड फैंस. भाई हम लोग ही बनाते हैं इनको ऐसे. सो ऐसे हॉट एंड हैपनिंग जो भी बॉलीवुड के अंदर के खबर है ना, इसके लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल कभी इस कभी नॉट. बहुत सारे मूवीज देखें, एंजॉय कीजिए. बाय बाय.